पीपल का वृक्ष भारत में केवल पवित्र ही नहीं माना जाता बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी बहुत उपयोगी होता है। हाल ही में लोलैंड की लाइफ साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सा और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से किए गए एक शोध में सामने आया है कि पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में मौजूद नैनो मेटल पार्टिकल को रोकने में सक्षम है, यानी ये हवा को साफ करने में सहायक है। ऐसे में जहां पीपल के पेड़ अधिक होंगे उन क्षेत्रों में हवा में उपस्थित कैडमियम, लेड, निकल, कॉपर, आयरन, कार्बन और सिलिकॉन जैसी धातुओं की मात्रा भी कम होगी। इस शोध का प्रकाशन वायु प्रदूषण पर दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान पत्रिका एनवायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में हुआ है। प्रोजेक्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ है और वहाँ के एक प्रोफेसर हैं पोलैंड के प्रोफेसर रॉबर्ट पोपेक, वो हमारे यहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर के तरह आए थे अभी यहाँ पे 2 साल पहले और फिर वो काफी समय तक यहाँ रहे। तो उनमें जो फाइकस रिनिजियोसा जो प्लांट है जिसको हम पीपल सामान्य भाषा में बोलते हैं उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा मेटल बेस्ड पार्टिकुलेट जो है वो एब्जॉर्ब रहे हैं और उसकी एक वजह है एक्चुअली। एक तो होता है लीफ इंडेक्स, जिसकी लीफ बड़ी है तो एक स्वाभाविक सी बात उस पर ज्यादा सस्पेंड करेंगे पार्टिकल, लेकिन उसके वो क्या होता है वापस एयर में आ जाते हैं अगर उसको वहां पे एब्जॉर्ब नहीं किया जाए। तो जितने ये प्लांट जो है पीपल उसके अंदर एक लेयर है वैक्स, जिसको हमें एपिक्यूटिकुलर वैक्स बोलते हैं, ज्यादातर प्लांट में होती है, लेकिन पीपल की जो उसकी उनकी जो शेप है वैक्स की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो किस स्केल में है तो दे पीपल है उनको ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा है।